हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फटाफट से जानेंगे कि एनसीसीटी हेड का केस कैसे करते हैं। लाइव वीडियो में आपको बताएंगे पेशेंट एंट्री से लेके पेशेंट एंडिंग तक हम एक एक करके समझेंगे कि जेई की 16 स्लाइस की हमारे पास सीटी स्कैन की मशीन है, इसमें हम एनसीसीटी हेड करना सीखेंगे। आइए सबसे पहले हम पेशेंट लेते हैं। देखिए हमारे पास एक पेशेंट है जिन्हें हम हेड फर्स्ट पोजिशन में लेटा देते हैं और उसको टेबल पे पोजिशनिंग करते हैं और लेज़र देते हैं फ्रंटल पे, और उसके बाद से लेज़र को टेबल को मूवमेंट कर देते हैं जीरो जीरो। करने के बाद हम आ जाते हैं अपने डेस्कटॉप के पास। डेस्कटॉप पे हम पेशेंट एंट्री करते हैं। पेशेंट एंट्री न्यू पेशेंट के पास जाएंगे और उस पर देखिए आपको ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें हम पेशेंट आईडी क्लिक करेंगे। जो कुछ भी हमारा एक पेशेंट आईडी होगा उस पेशेंट आईडी को डालेंगे, फिर हम डालेंगे पेशेंट नेम। देखिए हमारे पास एक पेशेंट है जिनका हम करने वाले हैं एनसीसीटी हेड, तो अभी हम यहाँ पे पेशेंट नेम डालेंगे। जैसे देखिए आपको दिख रहा होगा आकाश 11 साल के हैं, जिनका हम लोग एनसीसीटी हेड करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे इमेज डिस्क्रिप्शन में हम लोग एनसीसीटी हेड लिख देंगे, बाकी आप फिल कर सकते हैं, उतना मैटर नहीं करता। और उसके बाद से हम यहाँ पे देखिए आपको एनाटोमिकल रीजन दिख रहा होगा, इसमें से हम सेलेक्ट करेंगे रूटीन हेड। इसी तरह हम सभी PNS जो भी हमारे पास प्रोटोकॉल है, सभी प्रोटोकॉल के बारे में एक एक करके हम बताएंगे। तो इसके लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियो आपके पास तुरंत मैसेज के द्वारा पहुंच सके। ठीक है, यहां से हम रूटीन हेड वाले प्रोटोकॉल को उठाएंगे और करेंगे केस को डन। अभी देखिए हमारे पास ये दिख रहा होगा आपको कन्फर्म। ये पीली वाली बत्ती को दबाएंगे तो यहाँ पे रेडिएशन टेबल मूव होने के लिए एक फ्लिप का बटन आने लगेगा। इस टेबल मूव करने के लिए फ्लिप का बटन दबाएंगे तो कुछ सेकंड बाद हमारे पास स्टार्ट टू स्कैन वाला फ्लिप करने लगेगा। ठीक है, आपको देख रहा होगा टेबल ऑटोमेटिक अपना पोजिशन ले लेता है, उसके बाद से स्टार्ट टू स्कैन का बटन क्लिक होने लगता है। इसे हम करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद हमारा स्काउट इमेज आ जाता है। जैसे ही हमारे पास स्काउट इमेज आता है, लोकलाइजर के द्वारा हम लेते हैं नेक्स्ट सीरीज। यहाँ से करेंगे हम नेक्स्ट सीरीज। नेक्स्ट सीरीज करने के बाद एक ऐसा आपको लोकलाइजर आ जाएगा। लोकलाइजर हम लेते हैं पेशेंट को जितना भी फील्ड ऑफ व्यू लेता है। फील्ड ऑफ व्यू मतलब जितना भी स्कैन हमें करना होता है उतने एरिया में हम लोकलाइजर को करते हैं फिट। जैसे देख रहे हैं आप, इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर आपको ऊपर नीचे भी करना होगा मीडियल से जेंटल प्लेन पे, तो यह बीच वाले को क्लिक करेंगे, जो बीच वाला आपको पिंक सा दिख रहा है उसे क्लिक करेंगे और शिफ्ट वाला शिफ्ट दबाएंगे। शिफ्ट दबाने से आपको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमको इतना स्कैन करना है हेड का पोजीशन एकदम हेड लोअर हेड तक, और हेड का पोजीशन लोकलाइजर देने के बाद हम करते हैं इसे कंफर्म। अगर आपको इसमें चेंजिंग करनी है तो चेंजिंग कर सकते हैं। अभी हम कंफर्म करेंगे तो फिर ऑटोमेटिक पोजीशन का टेबल का फ्लिप करने लगेगा। जैसे ही हम उसको क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक पोजीशन ले लेगा। उसके कुछ सेकेंड बाद हमको स्टार्ट टू स्कैन वाला बटन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे ही हम स्टार्ट टू स्कैन करते हैं हमारा ऑटोमेटिक स्कैन होने लगता है। देखिए आपको दिख रहा होगा दूसरे विंडो पे कि कैसे कैसे स्कैन हो रहा है। अभी हम इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि स्कैन जो हो रहा है क्या हमारा सही स्कैन हो रहा है। हाँ, तो बिल्कुल हमारा सही स्कैन हो रहा है, मतलब पेशेंट थोड़ा भी मूव नहीं कर रहा है। देखिए हमारे पास 25 सेकंड के अंदर 16 स्लाइस की मशीन है, ताकि थोड़ा टाइम लगता है लेकिन 25 सेकंड के अंदर हमारे हो जाते हैं हेड की स्कैन कम्प्लीट। अभी आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छा स्कैन हुआ है। उसके बाद से हम उधर जाते हैं, कर लेते हैं हम कंप्लीट। देखिए आप इंड एग्जाम के पास आएंगे तो कंप्लीट का बटन क्लिक करेंगे। जैसे ही हम कंप्लीट कर लेंगे हमारा हो जाएगा स्कैन कंप्लीट। स्कैन कंप्लीट करने के बाद हम ब्राउज़र में जाके अपने किए हुए स्कैन को देखेंगे, क्या हमने स्कैन सही किया है या नहीं। यह देखने के बाद ही हम पेशेंट को बाहर निकालते हैं ताकि पेशेंट को फिर दोबारा ना लेटाना पड़े। देखिए आपको दिख रहा होगा कि मतलब रिकॉन वाली इमेज आने लगी है। जैसे ही स्कैन हो जाती है उसके बाद से रिकॉन वाली इमेज धीरे धीरे कुछ सेकंड मतलब कुछ मिनट तक लगभग लग जाते हैं, रिकॉन वाली इमेज आ जाती है। आपको देख रहा होगा कि यहाँ पे हम खोलेंगे उसे 32 और इसे जाएंगे व्यूवर पे। व्यूवर करने से हमको जो भी स्कैन आया है वो आपको आसानी से दिख जाएगा कि क्या हमने स्कैन किया है वो सही है या गलत है, उसमें हिला हुआ तो नहीं है या थोड़ी भी कोई आर्टिफैक्ट तो नहीं है। ये सब देखने के बाद हम पेशेंट को निकालने को कर देते हैं। ठीक है, पेशेंट निकालने के लिए फिर रेडी हो जाते हैं। इस तरह से आप ब्राउजर पे जाके फिर पेशेंट की कोई भी किसी भी पेशेंट के व्यूवर, देखिए आपको रिकॉन इमेज अब आ गई है, मतलब रिकॉन होके हमारे पूरे भी सीरीज आ गए हैं। अब इसे हम करेंगे रिफॉर्मेट पे क्लिक। रिफॉर्मेट पे क्लिक करने से क्या होता है, हमारा
कॉर्नल, सजाइटल, एक्सियल तीनों प्लेन आ जाते हैं हमको सामने। तीनों प्लेन में आसानी से हमको दिख जाता है कि क्या हम स्कैन किए हैं वो बिल्कुल सही है या गलत। ठीक है, पेशेंट अगर रोटेट भी कर रहा है उसमें भी वो दिख जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा और थोड़ा भी उपयोगी होगा तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ज़रूर ही बताएं कि ऐसे ही और सारे वीडियो पाने के लिए और भी सारे स्कैन को सीखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखिए आप इसे अपने ADW सॉफ्टवेयर पर भेजेंगे और भेजने के बाद हम फिल्म को बनाएंगे। ये फिल्म कैसे बनाते हैं NCCET हेड का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जाके उसको भी देख लें। बाकी आप प्रोटोकॉल को जो भी सीरीज आया उसे आप भेज सकते हैं डॉक्टर के प्रोटोकॉल पर या ADW सॉफ्टवेयर पर। देखिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।